इस्तबाल है जहन्नम और उसके आदाब की हौलनाकियाँ सुनने के बाद नादर ने कराम जो सबसे आखिरी बात आपसे कहनी है वो ये है कि अल्लाह इज्जत ने कुरान करीम में सुर तहरीम में शातमा या इदीन आ मनु कोफम अली कुमनारा वक़ूदना सल हजारा अल हमला शदादल्ला यासून अल्लामर हूमयलून अमोमिन वो लोगों जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसकी ईधन आग और पत्थर है उस जहन्नम के ऊपर ऐसे फरिश्ते मुतन हैं जो बहुत मजबूत है बहुत ताकतवर है जो अल्लाह ताला हुक्म देता है उसकी मुखालफत नहीं करते हैं और वो वही करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है अल्लाह के नबी ने नेशात फमाया इतना वलो बशक् तमरा ए लोगो जहन्म की आग से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो लिहाजा हमारे लिए लम्ह फ़िक्रिया है कि जहन्म की मस्कूर बाला तफसी जानने के बाद जहन्म की जिक्र करदा तफसीलात को जानने के बाद हमारे बिला शको शुभ उस जहन्म से बचने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताली ने सुर हामीम अस्तदा में शात फरमाया आयत नंबर चालीस में अफमयलकाफ़िन नार खैरमैयाती आमिनयलयामा ई मलुमाशे तुम इन हम तलोन बसर लोगो ज़रा ध्यान दो कि जो जहन्नम में डाला जाएगा वो बेहतर है या जो कल क़यामत के दिन अमन अमान के साथ आएगा वो बेहतर है जो चाहो करो लेकिन याद रखना अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देखता है इसी तरीके से अल्लाह ने शरफ नमाया सुर फुरक़ान आयत नंबर पंद्रह में कुल अदाल खर अम जन्नतखुलद्लतीदलमतून क्या ये का घर जहन्नम बेहतर है ये सजाओं का घर जहन्नम बेहतर है या वो जन्नतुल खुल्द बेहतर है जिसका वादा मुतकीय से किया गया है इसी तरह से अल्लाह इज़्ज़त ने सूरह साफ़ात आयत नंबर साठ एक बासठ में अज़ीम नमायाल्फौजीमसा हादा मल आमिल अदाल खर नज़ुलन अम शजरतम ये जन्नत ये ही असल कामयाबी है जन्नत का पाना असल कामयाबी है और इसी के लिए तो अमल करने वालों को अमल करना चाहिए ये बेहतर है मेहमानी के अतबार से या जक्म का दरख्त बेहतर है तो लमह फ़िक्रिया है कि हमें जहन्नम में जाना है नाउज़बिल्ला या जन्नत में जाना है हमें जहन्नम से बचने की कोशिश करनी चाहिए और जन्नत में जाने की हमें जो है तगोदो करनी चाहिए और जहन्नम से हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए नादन कराम आप देखेंगे जहन्नम में फरिश्तों को नहीं जाना है मगर जहन्नम के खौफ से जहन्नम के डर से फरिश्ते लरसते हैं फरिश्ते कांपते हैं फरिश्ते मुकल्लफ नहीं हैं इनको जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं होना है इनको जहन्नम में नहीं जाना है मगर अल्लाह तबारक तआला ने उनकी हालत को बयान फरमाया है वकाल रमान वदा सुबह मुकरमून लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद बनाए अरे ये तो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं ला यस्बिकूनहु बिल्कौली हम भी अम्र ही या अल्लाह के आगे कभी नहीं जाते अल्लाह ताला के हम पर अमल करते हैं या अलुमा बैना अदी हम वला हम इल्ला लिमन इलामत उनके आगे पीछे सारी बातों को जानता है और ये फ़रिश्ते शिफात नहीं करेंगे मगर जिससे अल्लाह ताला खुश होगा वहुम मिन खशयतिही ही और ये फ़रिश्ते अल्लाह के डर से अल्लाह के अजाब के डर से बिल्कुल कांपते हैं और ये हमेशा खौफ में रहते हैं सूर्य आयत नंबर छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस में इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया वल्जुमाफ इसमाबाद उमाफिल अर्दमिदाबा वलमलाईका वहमलाकबिरून य खाफून रब बहुमिनफ़ोकम वफ़ आलो न मरून कि अल्लाह ताला के लिए सजदा करते हैं ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें और फरिश्ते भी तकबर नहीं करते अपने रब से जो अल्लाह के उनके ऊपर है हमेशा डरते रहते हैं और अल्लाह ताला के की पैरवी करते हैं तो फरिश्ते भी जहन्नम के अजाब से डरते हैं अम्बिया कराम को देखें तमाम अम्बिया कराम ने अपनी कौमों को जहन्नम से डराया है जहन्नम के अजाब से डराया है नू अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ आयत नंबर वरसठ में वलकद अरसलना इला कौमिही वलकदरस नू कौम ही फ़कौम् अजीम हमने नूह को उनके कौम की तरफ भेजा तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ कौम के लोगो अल्लाह की इबादत करो तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े अजाब बहुत बड़े दिन के अजाब का खौफ खाता हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वकाला इन नमद तखस तुम्हान मददतन ये जो बुतों को तुमने अल्लाह के अलाव महबूद बना लिया है ये जो है कि नाम क़्यामत के दिन तुम्हारे इसे इबादत का इनकार करेंगे और तुम में क्या इनमें का बाज़ एक बाज़ को लानत करेगा और तुम्हारा ठिकाना जहन्म है और तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं होगा हूद के बारे में अल्लाह नेमाया वुररा बिल्काफ़ वन नज़ुर ख़लफिया तब्लाकाफ़ालबाबा ओमिन

मसीह ने इसराइल से कहा कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है तुम्हारा रब है जो अल्लाह के साथ शिर करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है उसका ठिकाना जहन्नम है और धलिमों के लिए को मदगार नहीं होगा ये तो ख़ास अम्बिया की बात हो गई और सारे अम्बिया के बारे में अल्लाह ने कहा है वो मरसलसलिनज हम रसूलों को भेजते हैं तो बशारत देने वाले खुशखबरी देने वाले और डराने वाले होते हैं सूर्य अनाम आयत नंबर अड़तालीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी हदीसें और आयतें मौजूद हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब यह आयत करीमा नाजिल हुई कि वह अनजर अकरबीन अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइए तो सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नबी नबीसम ने कुरैश के लोगों को बुलाया बनो अब्बास को बुलाया बनु अब्दुल मुनाफ को बुलाया बनो अब्दुल अब्दुलमतलब को बुलाया सब को बुला करके कहा कि लोगों सुन लो अल्लाह के आग से अल्लाह के अजाब से बचने की तैयारी कर लो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता फातिमा बिनते मोहम्मद को बुलाया सल वसम और कहा ए फातिमा मेरे पास माल है तो जो माल मांगना हो मैं दे दूंगा लेकिन देखना मैं अल्लाह के यहाँ अल्लाह के अजाब से तुमको बचा नहीं सकता अल्लाह के नबी तो सलाम ने निशात मया अये लोगो इतकुन ना रवलो बे तमरा लोगो आग से बचो जहन्नम से बचो जहन्नम के अजाब से बचो नहीं है तुम्हारे पास तो एक खजूर का टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका दे करके जहन्नम के अजाब से बचने की कोशिश करो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल देते हुए फरमाया सही मुस्लिम की हदीस में कि मेरी मिसाल तो ऐसे ही है जैसे किसी आदमी ने किसी सहरा में कोई आग जलाया रात के वक्त में किसी आदमी ने किसी सहरा में कोई आग जलाया जब आग जलाया तो आस पास के कीड़े और मकोड़े और हसरातुलआज पतिंगे वो आकर के उस आग में कूदने लगे वो आदमी आग के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर उनको रोक रहा है कि लोगों जहन ये आग है इसमें ना जाओ जल जाओगे मगर ये पतिंगे ज़बरदस्ती उसमें जाते हैं और जल जाते हैं ऐसे मेरी मिसाल है कि मैं तुम लोगों की कमर को पकड़ करके खींच रहा हूँ जहन्नम से कि जहन्नम की तरफ मत जाओ जहन्नम से बच जाओ लेकिन तुम ज़बरदस्ती जहन्नम में जा रहे हो तो अल्लाह के बंदो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से बचने का हुक्म दिया है जहन्नम से डराया है और याद रखना कल क़यामत के दिन जब पुलसरात से समा, तमाम लोग गुजरेंगे जब जहन्नम की पीठ पर पुलसरात को बनाया जाएगा और सारे लोगों को उस पर से गुजरना होगा उस वक्त अंबिया कराम की जो पुकार होगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी के हदीस में साथ फाया कि जहन्नम की पीठ पर प्रसरात रखा जाएगा सब लोगों को गुजरना होगा और कोई उस वक्त बात नहीं करेगा सिवाय अम्बिया कराम के और अम्बिया कराम की बात क्या होगी अम्बिया कराम की गुफ्तू क्या होगी अम्बिया कराम यही कह रहे होंगे रब सब सलम सला तो हिफाजत कर ए लाला तो बचा कहीं ऐसा ना हो कि हम जहन्नम में गिर जाएँ यह अम्बिया कराम का खौफ और यह अम्बिया कराम का डर है जहन्नम के तल्लु से साहब क्राम को देखा किराम, किराम, तो उनका खौफ कितना था और कितना कोशिश करते थे आर के बारे में रिवायत है कि अम्मा ताला ने आग को याद किया ज़हन्नम को याद किया रो पड़ी अम्मा आयशा रोने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से कहा ए आयशा तुम क्यों रो रही हो अम्मा आयशा कहती हैं कि ज़कर तुन्ना रफ बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की, की याद आ गई जहन्नम को याद किया इसलिए आंसू बह पड़े मैं रोने लगी अल्लाह के नबी आसलाम से कहती हैं कि अल्लाह के नबी आल सलाम क्या आप अपने घर वालों को याद रखोगे क्यामत के दिन क्या आज हम आपके साथ हैं क्यामत के दिन आप अपने साथ हमको रखोगे नबी आल सलाम ने कहा आयशा तीन जगहों पर तो कोई किसी को नहीं पूछेगा तीन पर कोई किसी का हाल नहीं मालूम करेगा और वो तीन जगह कौन है जब पुलसरात पे से गुजरना होगा जहन्नम की पीठ पर पुलसरात को जो है बिछा दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा और उसमें से सबको गुजरना होगा और जब अमल किया जाएगा अमल साले का वजन किया जाएगा नेकी और बुराइयों को थौला जाएगा उस वक्त भी कोई किसी को नहीं पूछेगा और जिस वक्त लोगों का नाम अमल तकसीम हो रहा होगा दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में इन सारे मवा में सारी जगहों में सबको अपनी फिक्र पड़ी होगी कोई किसी के पूछने वाला नहीं होगा अल्लाह के नबी आई ने पुरस्त के बारे में बयान फरमाया है कि जहनम की पीठ पर नसब होगा और उसमें बड़े बड़े कांटे होंगे उसमें वो मुख्तलिफ लोग फंस करके जहनम में गिर जाएंगे बहुत सारे लोग आसानी से गुजर जाएंगे बहुत सारे लोग जैसे ही पुरसरात पर चाहेंगे जहन्म में गिर जाएंगे बहुत सारे लोग कुछ गुजर करके चाहेंगे इस तरीके से जो है जहन्म की पीठ पर पुरसरात बनाया गया है उमर इब्न ख़ता रजील्ला कहते हैं कि अगर कयामत के दिन ये कहा जाए अबू अब 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 नायमसाहानी रही ने हिलतुलाऊलिया में जिक्र किया है उमर अबिन ख़ाब की सीरत में कि उमर अब ख़ताब कहते हैं कि अगर कयामत के दिन ये कहा जाए कि सारे के सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय एक आदमी के तो उमर खत्ताब कहते हैं मैं समझूंगा शायद वह गुनहगार मैं ही हूँ जहनम का इतना खौफ और जहन्म का इतना डर और जहन्नम के तल्ल से इतनी फ़िक्र और जहन्म के तालुक़ से इतनी बेदारी और ऐसे कहते हैं कि अगर क्यामत की

लोहारों के इलाके से गुजर हुआ लोहार जो लोहे को आग में तपा करके और उससे मुख्तलि आलात और हथियार वगैरह बनाते हैं तो वहाँ से गुजर हुआ इतने में एक लोहार ने अपने भट्टी से लोहे को निकाला जो बिल्कुल एकदम गर्म होकर के एकदम आग की शक्ल का था अब्दुल मसूद अल्लाह देखा उसको तो खड़े होकर के रोने लगे और रोते रहे कि कि किस तरीके से जहन्नम में इंसानों को आग में जलाया जाएगा और कैसे लोग इसको बर्दाश्त करेंगे इसी तरीके से असलाफेम से बहुत डरते थे अपने आप को से बचाने की फिक्र करते थे मालिक रहे कहते हैं है कि अगर मैं इस बात की ताकत रखूं कि, कि मैं न सो तो कभी नहीं सोऊँगा। नींद ये फितरी चीज़ है और सोना भी जरूरी है सेहत के लिए लेकिन कहते अगर ऐसा हो कि मैं ना सो तो मैं नहीं सोऊंगा मुझे ये डर लगता है कि कहीं अजाब ना जाए और मैं सो रहा हूं और अगर मैं कुछ ऐसे लोगों को पा जाऊं मेरे कुछ साथी ऐसे मिल जाएं तो मैं सब लोगों को मुख्तलि महल्लात में गलियों और कोचों में भेज दूंगा कि जाओ सब लोगों से कह दो लोगो जहन्नम से बचने की तैयारी करो लोगो जहन्नम से बचने की तैयारी करो लोगो जहन्नम की फिक्र करो आखरत की फिक्र करो इसी तरीके के, से मैस्रा के बारे में आता है कि जब ये बिस्तर पे सोने के लिए जाते तो कहते कि कि काश मेरी माँ ने जनाना होता फिर वो रोने लगते रोने लगते, रोने लगते लगते और कहा जाता मैस्रा इतना क्यों रो रहे हो तो मैस्रा कहते कि को ये बताया गया है सबको गुजरना सब होगा लेकिन ये नहीं बताया गया है कि हम उसको पार कर लेंगे या नहीं पार कर पाएंगे इसके लिए जो है रोते हैं अल्लाह ने सर को जिक्र किया है उमर के बारे में आता है कि जब ऐशा की नमाज पढ़ लेते तो मस्जिद में ही बैठे रहते और अपने दोनों हाथों को उठा करके दुआ करना शुरू करते बराबर दुआ करते रहते रोते रहते रोते रहते यहाँ तक कि नींद का गलबा हो जाता तो वो सो जाते फिर अचानक बेदार होते और फिर अपने हाथों को उठा करके दुआ करने लगते और जो है क्या रोते रहते यहां तक की नींद का गलबा हो जाता तो नजरिन कराम यहाँ पर यह बात खुल करके आई कि अम्बिया कराम ने अपनी कौमों को डराया अंबिया कराम खूब जहनम से डरते रहे साहब कराम जहन्नम से डरते रहे असलाफ जहनम से डरते रहे और सब तो सब हैं फरिश्ते जिनको जहनम में जाना भी नहीं है वो भी जहन्नम से खौफ खाते हैं लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम जहन्नम से खौफ खाएं और अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें ये जहन्नम की तफसीलात हमने सुनी है कैसे कैसे उसमें अजाब है कितनी दहशतनाक वहाँ की जिंदगी है कितना हौलनाक वहाँ का मंजर है इस होौलनाक मंजर से हमें अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करनी चाहिए अब नाजिन कराम हमें यह देखना है कि हम जहन्नम से बचाव कैसे कर सकते हैं हम जहन्नम से कैसे बच सकते हैं हमारे दिल में खौफ पैदा हुआ जहन्नम के अजाब का जहन्नम की सजाओं का जहन्नम के होलनाक मनाजिर का तो अब सवाल यह होता है कि हम जहन्म से कैसे बच सकते हैं ये बहुत अहम चीज़ है जिस पर हमें तोज्जो देने की ज़रूरत है जहन्नम से बचने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें सबसे पहले नंबर पर ईमान है सबसे पहले नंबर पर ईमान तोहेद और अकीदे की पुख्तगी ईमान के छः अरकान हैं अल्लाह ताला पर ईमान रखना किताबों पर ईमान रखना रसूलों पर ईमान रखना फरिश्तों पर ईमान रखना आखरत के दिन पर ईमान रखना और तकदीर पर ईमान रखना ये छः अरकान ईमान हैं इनको अच्छी तरह से जानें मजबूती के साथ पे उस पर जमे रहें उसको अपने दिल में बिठाएं अपनी जबान से इकरार करें और उस ईमान के मुताबिक हम अमल करें अगर हमारे ईमान में खलल है हमारे तौहीद में खलल है हमारे मनहज में खलल है तो नाजरीन कराम कोई चीज हमको जहन्नम से नहीं बचा सकती है तोहद और ईमान वो चीज़ है जो हमको जहन्नम से बचा सकते हैं अल्लाह ताला की कितनी आयतें और सराहते हैं कि जिससे पता चलता है कि बगैर ईमान के कोई नहीं बच सकता है इसी तरीके से जहन्नम से बचने के लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो वितबाही सुन्नत है अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना हम नमाज नबी वसल्लम के तरीके पर पढ़ें रोज़ा नबी वसल्लम के तरीक़े पर रखें जिक्र अस्कार असकान वसल्लम के तरीके पर करें हज नबी वसल्लम के तरीके पर हर मसले में अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत से हटकर अमल किया जाने वाला अमल बर्बाद है और उसकी कोई अल्लाह के यहां नहीं है इसी तरीके से तीसरे नंबर पर जिसकी जरूरत है कि हम अमले साले अंजाम दें अच्छाइयों को अंजाम दें बुराइयों से बचें नमाज़ें पढ़ें रोज़े रखें जक़ात दें हज करें सच बोलें अमानत का ख्याल रखें और सच्चाई के साथ रहे अच्छाइयाँ जितनी भी है तलावा जिक्र तस्बीह तालील वो नेक काम करें बुराइयों से बचें झूठ से बचें गिबत से बचें सूद से बचें जेना से बचें मर्डर से बचें हर किस्म की बुराइयों से बचें और इसके साथ साथ नादरीन कलम अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज़्यादा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम से से बचाए चुलांचे आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बहुत सारी दुआएं इससे साबित हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें हमें जहन्नम से बचने के अल्फाज सिखाए हैं और कलिमा सिखाए हैं तो ईमान के बाद अकीदे को दुरुस्त कर लेने के बाद हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अकीदे की इस्लाह नहीं करते हैं जो ईमान को दुरुस्त नहीं करते हैं मगर नमाजें पढ़ते हैं वो जा के अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करते हैं वो शिर करते हैं वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं अल्लाह के अलावा किसी और से दुआएं करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और से जो है फरियाद रसी करते हैं अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा समझते हैं हाजत रवा समझते हैं दुआओं को कबूल करने वाला समझते हैं और समझते हैं कि वह हमें औलाद दे सकते हैं हमको सेहत दे सकते हैं नदरीन कराम माफ़ कीजिएगा ये सारी चीजें सिरकिया है ये सब सिर के काम हैं अल्लाह के अलावा ना कोई शिफा दे सकता है ना कोई औलाद दे सकता है ना मुसीबतों से हमें दूर रख सकता है ना हमारे मुसीबतों को टाल सकता है ना हमें अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा करना चाहिए तोहहीद को हम अच्छी तरीके से समझे ला मोहम्मद रसुल्लाकर है इसका माना किया है हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अल्लाह के नबीम की सुनतों को छोड़कर इनके उनके फताहों पर चलते हैं इनके उनकी राय पर पर चलते हैं उनके उनके मशवरों पर चलते हैं मुख्तलि मसालिक पर चलते हैं जबकि सबको मालूम है कि अल्लाह तबीसलम को भेजा है कि नबीम जिस तरीके से जो अमल अंजाम दें हमको उसी तरीके से अमल अंजाम देना चाहिए लिहाजा इतबाही सुन्नत का अहतमाम करना और फिर अमले साल अंजाम देना और फिर अल्लाह तबारा से बराबर दुआ करते रहना आइए कुछ दुआओं को हम पढ़ें जो अल्लाह तबीसम ने, ने सिखाए हैं कि जिसके जरिए से हम जहन्नम के अज़ाब से बच सकते हैं चुनान चेल्ला तबारक ताल ने दुआएं सिखाई हैं उसमें से बहुत अहम दुआ रब बना आतीना फिर दुनिया हसन तो व फिर आखिरत हसना वकीन आदा बनना हमारे रब तो हमें दुनिया में नेकी दे आखिरत में नेकी दे और जहनम के अजाब से बचा ले रब न सिर्फ अन्ना अदाबा जहन्नम अदाब का न गामा इन् हसा मुस्तकर मकामा एल्ला हमसे जहन्नम के अहब को फेर दे ये बहुत ही चिमट जाने वाला अजाब है इसी तरीके से रब ना तिल सुबह न फ़कीन अदा बनार

वफ़ील आख़िरत हसना वकी नादा बनार ए ला तो हमें दुनिया में हसना दे दे भलाई दे दे नख़रत में नेकी दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले लिहाजा ये दुआएं और इसके अलावा जितनी दुआएं नबी वसल्लम से अजाब जहन्नम से पनाह मांगने की हैं उन दुआओं को पढ़ना चाहिए और इसके साथ साथ जो दुआ की कबूलीत के अवक़ात हैं उन अवकात में ख़ास तौर से अल्लाह ताली से अखलास के साथ और हजूर कल्ब के साथ दुआ करनी चाहिए जैसे अजान और के बीच में दुआ करनी चाहिए सजदे में दुआ करनी चाहिए नमाज के दौरान तशहुद में दुआ करनी चाहिए फजर की नमाज से पहले सुबह सादिक से पहले जो तहज्जुद का वक्त होता है उस वक्त में जा करके अल्लाह ताला से तजाब जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद जो है ताला से खूसी दुआ करनी चाहिए रमजान के महीने में लैलतुल कद्र में अल्लाह तबारक ताली से अजाब जहन्नम से हिफाजत की दुआ करनी चाहिए और इसी तरीके से दूसरे मौके जो दुआ के हैं तु इसलिए अमल के साथ साथ दुआ करना ये बहुत अहम चीज है जब तक हम अल्लाह तबारक की रहमत को नहीं हासिल कर लेंगे जब तक अल्लाह तबारक के मुस्तक नहीं बन जाएंगे हम अपने अमल से अल्ला से अल्लाह के अजाब नहीं बच सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को आप याद कीजिए जिसको हमने जन्नत के तस्करा में बयान किया है बड़ी प्यारी हदीस है नबी ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई आदमी अपने अमल के जरिए से जन्नत में नहीं जा सकता है कितना भी हम अमल क्यों ना करें हम जन्नत में नहीं जा सकते हैं जब तक कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से ढांप ना ले साहबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या आप भी नहीं तो जा सकते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भी नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से ढांप ना ले लिहाजा अमल में मेहनत करना और जो है क्या नाम है दुआ करना रब्बना तकबल इन्नका मिलना समीउल इन अलीम अल्लाह तो कबूल फरमा ये दुआएं करना ये यजाब जहन्नम से हिफाजत के लिए रास्ता है अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे हस्मा हसन सिफात उलिया के वसीले से हमें जहन्नम के अदाब से महफूज रख और हमें जहन्नम से बचा ले हम सबको जन्नत का मुस्क बना रब बनाते फिर दुनिया हसन तो फिल आखरत वा बनार आदमा इंदी वाली आलमदिल्ह रब आलमिन महमद वसलम तस्मन का